जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दिया है और ये ड्रिल पुतिन की निगरानी में ही हो रहा है। रूस के सरकारी चैनल पर इसका सीधा प्रसारण हुआ, जिसे खुद पुतिन ने देखा। रूस ने ड्रिल में जमीन, पानी और हवा में मार करने वाली परमाणु मिसाइलों से हमले का अभ्यास कर दिया है। रूस के इस ड्रिल का नाम है थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज। ये ड्रिल ऐसे समय में हो रहा है जब नेटो के 14 देश नॉर्थ सी के ऊपर परमाणु अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियर ड्रिल 30 अक्टूबर तक चलेगी, यानी खतरा बढ़ गया है क्योंकि रूस ने भी परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसकी निगरानी खुद पुतिन कर रहे हैं। पिछले साल ये ड्रिल रूस ने फरवरी में की थी, लेकिन इस बार रूस ने पानी, जमीन और हवा में मार करने वाली परमाणु मिसाइलों से अक्टूबर में अभ्यास किया। इन मिसाइलों में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, जो चलती है तो सीधा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंच जाती है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक मार कर सकती है। रूस ने जमीन, पानी और हवा तीनों जगह इन मिसाइलों से युद्ध अभ्यास किया, जिसका सीधा प्रसारण खुद पुतिन ने देखा। रूस के सरकारी चैनल पर जब ड्रिल का टेलीकास्ट हो रहा था, तो पुतिन के सामने एक स्क्रीन पर ड्रिल की तस्वीरें थीं और दूसरी पर रूस के बड़े बड़े अधिकारी। यही नहीं, पुतिन ने अमेरिका को इसकी औपचारिक जानकारी भी दी। और ठीक उसी समय परमाणु हमले का अभ्यास किया जब नेटो के 14 देश भी ऐसी ड्रिल कर रहे थे। ये खबर मिलने पर बाइडेन ने बिना देर किए पुतिन को चेतावनी दे डाली थी और उनसे बोल दिया था कि वो गलती से भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक न करें। लेकिन पुतिन तो पुतिन है, उन्होंने न्यूक्लियर ड्रिल करके बाइडेन को ठेंगा दिखा दिया और उन्हें बता दिया कि वो किसी चेतावनी या धमकी से नहीं डरते, क्योंकि पुतिन का रूस की न्यूक्लियर ड्रिल देखना और दुनिया भर में इसका प्रसारण होना, ये जाहिर करता है कि रूस ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। क्योंकि 17 अक्टूबर को जब नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हुई थी, पुतिन ने तभी से ये इशारा करना शुरू कर दिया था कि उनकी सेना भी परमाणु अभ्यास करेगी, वो भी उसी समय जब नेटो परमाणु अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, खबर आई कि पुतिन ने नेटो के B-52 बॉम्बर के जवाब में अपने 11 न्यूक्लियर बॉम्बर मैदान में उतार दिए थे और उन्हें फिनलैंड और नॉर्वे सीमा के पास तैनात कर दिया था। फिनलैंड वो देश है जो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है और नॉर्वे पहले से नेटो का हिस्सा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका की सैटेलाइट ने रूस के TU-160 और TU-95 विमानों की मूवमेंट की तस्वीर भेजी है, जिन्हें फिनलैंड और नॉर्वे की सीमाओं के पास एक एयरबेस पर तैनात किया गया था और इनकी संख्या एक दो नहीं बल्कि 11 थी, जिनमें 7 TU-160 और 4 TU-95 शामिल थे। यही नहीं, अगले ही दिन खबर आई थी कि रूस के TU-95 ने अमेरिका के अलास्का की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उसे खदेड़ दिया था। यानी पुतिन नेटो को न्यूक्लियर ड्रिल के पहले दिन से तंग कर रहे हैं और अक्टूबर खत्म होते होते उन्होंने रूस का परमाणु अभ्यास भी शुरू करवा दिया। और रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल का नाम है थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज, जिसके जरिए पुतिन सीना तान कर नेटो को ललकार रहे हैं। वो भी तब जब बाइडेन ने एक दिन पहले ही उनसे कहा था कि अगर पुतिन इस तरह के कदम उठाते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन पुतिन ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी और वही किया जो वो हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने नेटो ड्रिल के दौरान ही अपनी परमाणु मिसाइलों का दम दिखाया और पश्चिमी देशों को बता दिया कि वो किसी से नहीं डरते और जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें खतरनाक हथियार चला सकते हैं।